न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की और पहली खबर कानपुर से, जहां इरफान सोलंकी को अग्निकांड में 19 मार्च 2024 तक फैसला टल गया है। इस बारे में सपा विधायक को कोर्ट ने तलब कर दिया। बता दें कि इरफान सोलंकी के साथी आरोपी शौकत और शरीफ की जमानत पर पर्सनल बॉन्ड दाखिल न होने की वजह से यह फैसला टाला गया है। आज इरफान रिजवान और उसके साथ जो लोग हैं, कई लोग मुलजिम हैं, उनका आगजनी का जो केस है उसमें जजमेंट आना था, लेकिन कोर्ट ने उसमें 19 मार्च डेट फिक्स कर दी है। 19 तारीख को उसको पर्सनली तलब किया है महाराजगंज जेल से। शौकत पहलवान को भी तलब किया है और दो एक्यूज्ड शौकत और शरीफ की सीआरपीसी के जो सेक्शन 437A है उसकी कंप्लायंस नहीं हुई थी। उसकी कंप्लायंस में बिफोर जजमेंट सिक्योरिटी दाखिल करनी होती है। श्रावस्ती में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत दो सगे भाइयों सहित चार नेपाली तस्करों को 14 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही न्यायालय ने प्रत्येक पर 2,20,000 रुपए अर्थदंड भी लगाया है। बता दें कि साल 2019 में नार्कोटिक सेंट्रल ब्यूरो की लखनऊ यूनिट ने 30 किलो 900 ग्राम अवैध चरस के साथ चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव अपने काफिले के साथ मैनपुरी पहुंचे, जहां उनका समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं और बुके भेंट कर स्वागत किया। वहीं उन्होंने आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन 80 सीटों पर हासिल करेगा जीत और भाजपा इस बार मैनपुरी की सीट पर अपना पूरा जोर लगा रही है। जयवीर सिंह या केशव प्रसाद मौर्य जैसे बड़े नामों पर चर्चा है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी जीतेगी। यूपी में इंडिया गठबंधन में सीट लाने पर कहा कि हम सभी 80 में से 80 सीटों पर जीतेंगे और भाजपा को सभी 80 सीटों पर हराएंगे। सरकार द्वारा सीए लागू करने पर शिवपाल ने कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा है नहीं है, भाजपा सत्ता में है, अभी घमंड में है, कुछ भी कर सकती है। मैं समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के जीतेंगे सब जगह। इन्हें तो देखो अभी तक तो कई ऐसी सीटें हैं, प्रत्याशी नहीं टूटे मिल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में गठबंधन कितनी सीट लाने जा रही है आपके हिसाब से? हम सभी सीटों पर जीतेंगे। 80 के 80 सीट के दावा कर रहे हैं? हाँ, 80 भी भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। सरकार ने सीए लागू की। वहीं कोटद्वार में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए गढ़वाल लोकसभा संसदीय सीट से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को टिकट मिलने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी शुरू कर दी और खुशी जताई। देर रात गढ़वाल लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत का टिकट कटने के बाद अनिल बलूनी का नाम की सहमति बनने के बाद से कोटद्वार में भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और क्योंकि आदरणीय अनिल बलूनी जी इस उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, उनकी प्रतिभा, उनकी योग्यता का लोहा केवल उत्तराखंड ही नहीं पूरा भारत मानता है और हम सबको उम्मीद है कि आदरणीय अनिल बलूनी जी के गढ़वाल लोकसभा से प्रतिनिधित्व करने के बाद जो गढ़वाल लोकसभा है वो राष्ट्रीय पटल पर विकास की दृष्टि से अंकित होगी और हम सबकी जो आकांक्षाएँ वो पूरी होंगी। हम सबको पूरा विश्वास है कि आदरणीय अनिल बलूनी जी 5 लाख से अधिक मतों से गढ़वाल। उत्तरकाशी के मोरी क्षेत्र के अंतर्गत कोट गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 15 किलोमीटर सड़क के निर्माण को स्वीकृति मिली थी, मगर 5 किलोमीटर कटिंग के बाद काम विधिवत स्वीकृति न मिलने की वजह से रुक गया। इस पर गांव वालों का कहना है कि अगर विधिवत स्वीकृति नहीं मिलती है तो हमें मजबूरन चुनाव का बहिष्कार करना पड़ेगा और हम आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इस संबंध में आज पूरे गाँव के लोग, महिला और बच्चों को इकट्ठा हुए और सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए लोकसभा चुनाव का बहिष्कार भी किया। पंचायत ने यह निर्णय लिया है कि हमने जो है कई बार सरकार और शासन को जो अवगत कराया है कि पिछले 2 वर्षों से हमारे मोटर मार्ग का रोड काम बंद पड़ा हुआ है, लेकिन वो हमको आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं कि हमारा काम कल शुरू होगा, परसों शुरू होगा, लेकिन 2 साल बीत गए अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। तो अंत में आज ग्राम पंचायत ने यह फैसला लिया है कि अगर इस बार रोड नहीं तो वोट नहीं, चुनाव का बॉयकॉट करेंगे, चुनाव का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा और यदि हमारे रोड का काम शुरू होता है तो हम। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से अमेठी के आवास विकास कॉलोनी और गंगागंज मोहल्ले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति और उनकी महिला मित्र गुड्डा देवी के घर पर ईडी ने छापेमारी की है। कार्रवाई के बाद घर के बाहर भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात दिखाई दिए। घर में पूर्व मंत्री की विधायक पत्नी महाराजी देवी और बेटा अनुराग प्रजापति मौजूद थे। बता दें कि रेप के मामले में कई सालों से पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति जेल में बंद हैं। बदायूं में समाजवादी पार्टी से टिकट मिलने के बाद सपा प्रत्याशी वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव पहली बार बदायूं पहुंचे। बदायूं की सीमा में घुसे शिवपाल सिंह यादव का जगह जगह जोरदार स्वागत हुआ।
बता दें कि सपा की पहली लिस्ट में पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव का टिकट बदायूं से हुआ था, लेकिन सपा की तीसरी लिस्ट आई है तो उसमें धर्मेंद्र यादव को हटाकर शिवपाल सिंह यादव को बदायूं लोकसभा से प्रत्याशी बना दिया गया है। उसके बाद वो आज पहली बार बदायूं पहुंचे और एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि उनके बदायूं आने में कोई देरी नहीं हुई है, अभी तक चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, बीजेपी के प्रत्याशी भी यहां से घोषित नहीं कर पाई। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन 80 की 80 सीटें बीजेपी को हराने का काम करेगा। अभी देखिए घोषणा भी नहीं हुई है चुनाव की, और यहां तक कि देखिए भारतीय जनता पार्टी तो अभी प्रत्याशी भी नहीं दे पाई। बहुत से कितने 51 तो दिए और जीत कर रहे हैं 80 के, तो हम इसलिए आपको बताना चाहते हैं समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करें। पहले भतीजा आप चाचा। फतेहपुर के ललौली के खटौली गांव में दो डंपर के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद वाहनों में आग लग गई। हादसे में चालक और क्लीनर की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। इसके अलावा और दो लोगों ने कूदकर जान बचाई। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची, आग बुझाते हुए दोनों शवों को बाहर निकाला, लेकिन अभी तक दोनों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। घटना के बाद सागर मार्ग पर घंटों जाम लगा रहा। पीलीभीत में ऑनर किलिंग की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। यहाँ एक पिता और चाचा ने अपनी ही नाबालिग बेटी की गला घोटकर हत्या कर दी और डीजल डालकर जला दिया। हत्या के बाद आरोपी पिता और चाचा मृतका के शव को तालाब के किनारे दफना दिया। पुलिस को मृतका की गुमशुदगी की सूचना दी। पुलिस ने मामले में कड़ाई से पूछताछ की, तब उन्होंने घटना को लेकर खुलासा किया और कबूल किया। पुलिस ने आरोपी चाचा और पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। क्या मामला हुआ है गाँव में? गाँव में एक राजीव करके है, उनकी पुत्री है सीमा गंगवार, उसकी बाडी नदी किनारे मिली है। जी, क्या घटना हुई थी, क्या लग रहा है? घटना ये हुई थी, वो लमसम 7 तारीख लास्ट उसका पेपर था, तब से गायब थी जी, आज बरामद हुई है। किस क्लास की छात्रा थी वो? इंटर की। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको, स्थानीय लोग क्या बता रहे हैं? स्थानीय लोगों का स्थानीय डर का माहौल सा है अब, जो तो जांच के बाद ही पता लगेगा। क्या लग रहा है, हत्या है आत्महत्या है? कह नहीं सकते, तो जांच के बाद ही पता लगेगा। सिद्धार्थगंज में पिछले 2 दिन से प्रशासनिक टीम अवैध और ओवरलोड खनन के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जिससे खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। इसके चलते पीलीभीत रोड पर मौके पर मौजूद अवैध खनन में लिप्त 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को एसडीएम ने कब्जे में ले लिया। इस दौरान एसडीएम ने खनन से संबंधित दस्तावेज दिखाने को लेकर कहा, लेकिन वो दिखा नहीं पाए। कई वाहनों को कब्जे में ले लिया है, इनमें से कई वाहनों पर नंबर प्लेट तक नहीं लगी हुई थी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अवैध खनन में लिप्त लोगों पर जिम्मेदार विभागों की कार्रवाई का कोई असर नहीं पड़ रहा। इस कारण अवैध खनन करने वाले यातायात के नियमों को धक्का देने में लगे हुए हैं। झांसी ग्राम मोती कटरा तहसील गरौट निवासी महेंद्र कुमार ने उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र में बताया है कि ट्रैक्टर से निकली चिंगारी की वजह से उसके गैरेज में आग लगी थी। थोड़ी देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। अनफान में घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर पहुंचे दमकल की गाड़ियों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गैराज में रखा कृषि कार्य में इस्तेमाल होने वाला सामान जलकर राख हो चुका था। पीड़ित किसान ने नुकसान हुए सामान की कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई है। इसी के साथ उसने बताया कि सिंचाई का सामान बैंक से कृषि ऋण लेकर खरीदा था। किसान ने उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर शासन से दैवीय आपदा अंतर्गत क्षतिपूर्ति दिलवाए जाने की मांग की है। श्री गुरु हरिकृष्ण डिग्री कॉलेज सीपी बाजार झांसी में चल रहे राष्ट्रीय सेवा योजना कैंप के बौद्धिक सत्र में अग्निशमन जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत एक मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। उत्तर प्रदेश फायर सर्विस और आपदा सेवा के वरिष्ठ अग्नि सचेतक कुमारी प्रगति शर्मा के संयोजन में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर जयश्री दसानी ने की। मॉक ड्रिल में रोवर रेंजर्स एनएसएस के छात्र छात्राओं प्रवक्ताओं को आग के प्रकार, आग बुझाने के कई तरीके, खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लग जाने पर उसे आसानी से बुझाने का तरीका, प्रयोगात्मक विधि से भी अग्निशमन यंत्रों का प्रयोग करना बताया। कार्यक्रम के अंत में सभी को लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में शत प्रतिशत मतदान के लिए प्रगति शर्मा द्वारा शपथ दिलाई गई। हरिकृष्ण डिग्री कॉलेज में आज एनएसएस के कैंप के माध्यम से तमाम बच्चे बच्चियों को, कॉलेज स्टाफ को तथा प्रधानाचार्य महोदय के साथ सभी लोगों को अग्नि से जानकारी, बचाव एवं सुरक्षा के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दी गई तथा हमारे साथ वरिष्ठ अग्निशामक प्रगति शर्मा जुड़ी रहीं तथा सभी बच्चों को पुनः बारंबार अग्नि से बचाव के बारे में बताया गया। झांसी के मेडिकल कॉलेज में 1.5 साल के मासूम के उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। जानकारी के मुताबिक प्रेमनगर क्षेत्र निवासी सागर वर्मा ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसका 1.5 साल का बच्चा गर्म पानी से झुलस गया था। बच्चा 30% झुलसा था, इसलिए उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टर्स ने उसका कोई इलाज नहीं किया।
उसकी ड्रेसिंग वगैरह चिकित्सक परिजन ही कराते थे, खुद उसका इलाज नहीं करते थे। उन्होंने बताया कि मेडिकल में इलाज के दौरान कोई सुविधा नहीं दी गई, जिसके चलते उनके बच्चे की मौत हो गई। पुलिस मामले की फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है। सर, मेरे भतीजे का नाम था प्रियांश, मेरा नाम है जीतू वर्मा। 1.5 साल का बच्चा गर्म पानी से संडे इवनिंग में जल गया। उसके जलने के बाद झांसी में प्राइवेट में किसी डॉक्टर ने हाथ नहीं रखा। लास्ट ऑप्शन मेडिकल। मेडिकल में जब हम लेके आते हैं तो डॉक्टर ने 3 दिन ट्रीटमेंट दिया। ट्यूसडे को मेरे से कहते हैं संडे के बाद कि आपकी प्रॉब्लम क्रिटिकल है, आप इसको बाहर ले जाइए। मैंने कहा अगर अपने पास सुविधा नहीं है तो आप हमें लिख के दीजिए। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ आपसे, अगर अपने पास सुविधा नहीं है तो आप लिख के दीजिए। इतना बड़ा मेडिकल क्यों बना के रखा है, जब 30% बच्चे के लिए अपने पास ट्रीटमेंट नहीं है तो बेकार है ऐसी बात। कानपुर के चमनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहम्मद अली पार्क में बीते देर रात को दो पक्षों में झगड़ा हुआ और फिर 3 राउंड गोली भी चली। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने की वजह से घटना के समय तरावी हो रही थी, जिसमें भीड़ का फायदा उठाकर सभी आरोपी भाग निकले। वहीं घटना के लिए ACP सीमाओं के नेतृत्व में टीमें गठित करके कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 आरोपी ओसामा मुन्ना उर्फ अदनान फरहान को 2 अवैध तमंचे कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया है। DCP सेंट्रल RS गौतम ने खुलासा करते हुए बताया कि तीनों आरोपी चमनगंज क्षेत्र के रहने वाले हैं और इसमें हातिफ और ताहा 2 युवकों का एक युवती से प्रेम संबंध था। इसके चलते ये पूरी घटना हुई थी। बता दें कि इसमें दोनों ही मुख्य आरोपी फरार हैं, जिसके लिए टीम गठित है, जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। स्टेशन चमनगंज अंतर्गत मोहम्मद अली पार्क में रात्रि में कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने आपस में गोली चलाया था। इसकी सूचना जैसे ही पुलिस को प्राप्त हुई और पुलिस वहां मौके पे मौजूद थी, तत्काल कार्रवाई हेतु तत्पर हुई और मौके से अभियुक्तगण फरार करके भाग गए। इस संबंध में पुलिस स्टेशन चमनगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। केस के अनावरण 2010 के दंगों के मास्टरमाइंड IMC प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान को स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर ने दोबारा गैर जमानती बारे में जानकारी दी। उन्होंने SSP धुले सुशील चंद्र भान को IMC प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश होने का आदेश दिया। वही कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए DM को दिशा निर्देश किया। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। इससे पहले कोर्ट ने आरोपित मौलाना को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी उठाई है, CO प्रथम संदीप सिंह को सौंपी है, लेकिन वो मौलाना को गिरफ्तार करने में असमर्थ रहे, जिसके बाद कोर्ट के आदेश अनुसार अब दंगों के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा खान को पकड़ने की जिम्मेदारी खुद शहर के कप्तान को सौंपी गई है। तो आपको बता दें कि वही मौलाना है जो समय समय पर कॉन्फ्रेंस कर जेल भरो आंदोलन की धमकी देते थे, अपनी जहरीली जुबान से बरेली के गंगा जमुनी तहजीब को कलंकित कर रक्त रंजित करने को प्रयासरत रहते थे। माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन हमारा पुलिस प्रशासन कराने में सक्षम रहेगा, मैं यही समझता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ के जो भी अधिकारीगण हैं, हमारे ED महोदय, IG महोदय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, सभी सक्षम अधिकारी हैं और इस प्रकरण पर स्वयं नजर रख रहे हैं, और कोई भी अभियुक्त हो और माननीय न्यायालय उसको गिरफ्तार करने का आदेश देगा तो उसको गिरफ्तार करने का पूरा प्रयास करके, समय लग सकता है लेकिन उसको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने में यहाँ की पुलिस सक्षम रहेगी। सहारनपुर में कार में अचानक आग लगने से कार आग का गोला बन गई। कार पर लगी आग पर बमुश्किल काबू पाया गया। बता दें कि पूरा मामला देरा सहारनपुर जनपद के थाना मंडी क्षेत्र अंतर्गत छिलकाना रोड का है, जहां एक हॉन्डा सिटी कार में अचानक भीषण आग लगी। कार में आग लगने की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने आग पर बमुश्किल काबू पाया। गनीमत रही कि कार में सवार सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत मुक्ति मोर्चा के राहुल दिवाकर ने ज्ञापन देकर उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पर सवाली निशान लगाते हुए योगी सरकार को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय से ये मांग की गई है। अपने मांग पत्र में कहा कि घाटमपुर के नाबालिग बच्चों की आत्महत्या, बदायूं की महिला जज की आत्महत्या, सुमवेश के परिवार को 1 करोड़ की धनराशि और उसके परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी जैसी अपनी मांगे रखी, सुमवेश के दोषी पुलिसकर्मियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कर उन पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। ज्ञापन के माध्यम से योगी सरकार से नैतिक इस्तीफे की मांग भी की गई है।
मुक्त मोर्चा का जिलाध्यक्ष हूँ कानपुर नगर से। हम लोग यहाँ जो उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा न्याय अत्याचार बढ़ रहा है, जगह जगह बड़ी घटनाएं हो रही हैं, उन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग कमिश्नर साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। जैसे अभी हाल में ही आप लोगों ने देखा होगा कि रामपुर के जो बड़ा गाँव है वहाँ बहुत बड़ी घटना हुई, पुलिस के द्वारा हमारे एक 10वीं के छात्र सोमेश को गोली मार के हत्या कर दी गई। उसकी तो मृत्यु हो गई लेकिन पुलिस के गोली के छर्रे लगने से और भी बहुत सारे मासूम लोगों को। हरदोई जिले के सिमरिया गांव में 3 दिन पहले ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव को लेकर बहिष्कार करने का ऐलान कर रोड नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर लगा दिए। भाजपा सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी करना भारी पड़ गया। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद और प्रत्याशी जयप्रकाश रावत के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया था। ग्रामीणों ने हाथों में पोस्टर थामकर रोड नहीं तो वोट नहीं को लेकर सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था। इस पूरे मामले में राजस्व निरीक्षक संजय तिवारी की तहरीर पर थाने में 28 नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद समाजवादी पार्टी के कई नेता डीएम से मिले। आपको बता दें कि पद्मराग यादव पंपू ने कहा है कि पूरे जिले में भय का माहौल बनाने के लिए सरकारी कर्मचारियों ने इस तरह का मुकदमा दर्ज कराया है। वर्तमान एसडीएम के रहते चुनाव निष्पक्ष होना संभव नहीं दिखता। लोकसभा प्रत्याशी पूर्व सांसद पूर्व मंत्री उषा वर्मा ने कहा कि मामले में डीएम ने भरोसा दिलाया है। सांडी ब्लॉक में सिमरिया गांव है, वहां के लोगों की समस्याएं थी गलियारे को लेकर के। उन्होंने अपना ग्रामीण लोगों ने इकट्ठा होकर के अपनी समस्या को कई बार यहाँ पर प्रशासन में भी कहा होगा, ब्लॉक स्तर में भी कहा होगा, लेकिन जब वो काम नहीं हुआ तो उन्होंने सब इकट्ठा होकर के अपनी समस्या के लिए उन्होंने कुछ धंधा किया। हालांकि क्योंकि इस समय चुनाव का समय है, उन्होंने जो बात कही होगी वहाँ पर वे मतदान को लेकर के। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।